हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू। शुरू करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक। और अभी तक अगर आपने मेरा ये पौरुष जैन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना हो सके आप इसको सब्सक्राइब करें कि और भी मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपके काम आ सकते हैं वो लाता रहूं। और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो भी इसको शेयर करें और सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़े। चलो शुरू करते हैं पहली न्यूज़ आज की। तो सबसे पहला न्यूज़ ये रहा जो 18 और 20 नवंबर के बीच में अलग अलग न्यूज़पेपर में आए थे, और ये क्या इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एग्ज़ाम से। व्हाट मैकेनिज्म डू यू हैव अगेंस्ट फेक न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा अगर इनडेप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे आज द सेंटर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म अगेंस्ट द फेक न्यूज एंड बिगोट्री ऑन एयर एंड क्रिएट वन इफ इट डिड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम सब जानते हैं कि जो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो मल्टीमीडिया हो, 19A में है राइट ऑफ एक्सप्रेशन, उसके अंडर में ये मीडिया को, प्रिंट मीडिया को और मल्टीमीडिया को पूरी की पूरी फ्रीडम है कि वो न्यूज़ जो है उनके बारे में रिपोर्ट पब्लिश कर सकें। लेकिन आपको यहाँ एक और मैं बात बता दूं कि ये जो फ्रीडम है वो पूरी तरीके से क्या नहीं है, पूरी तरीके से 100% नहीं है, इसमें भी बहुत इफ एंड बट है। लेकिन अभी की जो आप देखते हो आज के जो मल्टी मीडिया है, खासतौर पे जो प्रिंट मीडिया है आपका, ये ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे, जो प्रिंट मीडिया है ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे कितनी आपकी फेक न्यूज़ जो है वो चलाता है, उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस, उन्होंने खुद कहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस के लिए तो क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द व्हाट प्रिंट मीडिया इन टुडेज सोसाइटी और इन टुडेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपको डिस्कस करना होगा, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द प्रिंट मीडिया या फ्रीडम ऑफ द प्रिंट मीडिया। ठीक है, और दूसरा अगर ये जैसे आपके चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि फेक न्यूज़ को, ध्यान रखना वो फेक न्यूज़ को बोल रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, ना कि न्यूज़ को, ऐसे तो आप क्या करेंगे भाई, जो ये फोर्थ पिलर है हमारे डेमोक्रेसी का यानी कि प्रेस, उसको आप बंद कर देंगे। तो ये बात चीफ जस्टिस साहब ने नहीं बोली, उन्होंने बोला है फेक न्यूज़ को कंट्रोल करें। देन अगर आगे बढ़ें, चीफ जस्टिस बोर्ड हेडिंग द 3-judge bench सेड द कोर्ट वॉज डिसअपॉइंटेड विद द कंटेंट्स ऑफ द लेटेस्ट गवर्नमेंट एफिडेविट। कोई गवर्नमेंट को कहा गया था कि भाई एफिडेविट आप जमा करो उसमें कि आप क्या अगेंस्ट ले रहे हो, फाइल्ड बाई इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अमित खेरे इन दी तबलीग जमात केस, क्योंकि तबलीग जमात केस में बहुत ज़्यादा जो आपकी मीडिया थी उसने ये फैलाया आपके हिंदुस्तान में या इंडिया में कि ये जो कोरोना वायरस फैला उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था, तबलीग जमात का था। ऐसा नहीं था, दे आर रिस्पॉन्सिबल, इरेस्पॉन्सिबल कह सकते हो, बट दे आर नॉट विद द इंटेंशन की स्प्रेड करना है। अच्छा, तो द गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट कहा कि ब्लॉक 743 सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड यू आर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ ऑन कोविड-19। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें ये न्यूज़ मिल रही है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है चाहे वो मेंस हो या प्री। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ देखें, हैव टू वेट 4 to 5 hours टू गेट प्लाज्मा, तो फाइंडिंग अ रिप्लेसमेंट डोनर इज डिफिकल्ट सेज फैमिली मेंबर्स ऑफ द पीपल इन्फेक्टेड इन कोविड-19। तो हम सबको पता है कि जो आपके इस समय कोविड-19 वायरस से रिकवर्ड हुए हैं, ठीक है, जिनकी आपकी रिकवरी हुई है, तो रिकवरी का मतलब ये है कि उनके बॉडी के अंदर, ठीक है, उनके बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी क्या बने होंगे, आपके एंटीबॉडीज बने होंगे। ठीक है, और इन्हीं एंटीबॉडीज ने क्या किया होगा, इन वायरसेस को मारा होगा। भाई वैक्सीनेशन भी तो ही होता है कि आप एंटीबॉडी बनाते हैं, तो ये एंटीबॉडी इन द फॉर्म ऑफ द प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लाज्मा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को चढ़ाओ तो वो भी जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अभी उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर यहाँ देखें कि हु कैन डोनेट प्लाज्मा, एनी पर्सन हु हैज़ बीन इन्फेक्टेड बाय 19 एज टेस्ट इज नेगेटिव एंड रिकवर्ड फ्रॉम वायरस आफ्टर 14 डेज ऑफ पीरियड ऑफ डोनेशन, एंड एज बोली है 18 और 16 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ से जो मुझे लगता है कि आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या बन सकता है, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड, ठीक है, पढ़ लेना एक बार, मैंने क्लासरूम में, ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ाया है स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड। ठीक है, बहुत डिटेल बताया है कि ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं, आप मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड, मुझे लगता है इस बार ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और दूसरा अगर हम बात करें और बायोलॉजी से आ सकता है आपका कि ये वैक्सीनेशन क्या प्रोसेस होती है, मैं कई बार पूछ चुका हूँ आप लोग को और क्लास में भी, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज में बता चुका हूँ,
नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका ये रहा ब्रू रेफ्यूजी डिमांड इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेटलमेंट पैक्ट। असल में मिजोरम में लीडर्स ऑफ द मिजोरम ब्रू रेफ्यूजी हैव डिमांडेड कमिटमेंट। ठीक है, चलो इसमें हमने ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ हमने पढ़ना है कि जो ये ब्रू आपके ट्राइब है ये कहाँ मिलती है, तो आप टिक करके आएंगे मिजोरम में। ठीक है, नॉर्थ, क्योंकि वहां पे ये उनको हटा दिया गया था, तो बस ये ब्रू ट्राइब का याद रखना और थोड़ा सा ब्रू ट्राइब के बारे में पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है ब्रू ट्राइब के बारे में, एक ब्रू कॉफी भी आती है। नेक्स्ट आपका ये रहा कन्फ्रंट स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर सेज मोदी। तो असल में ये जो मोदी साहब हैं, एक मीटिंग आपकी बिगेस्ट हुई थी उसमें ये ब्रिक की जो सबमिट हुआ था उसको एड्रेस कर रहे थे, मतलब 12th ब्रिक सबमिट। ठीक है, तो यहाँ से देखो सबसे पहला तो आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन क्या मिल गया कि अबाउट दी ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर है, कब बना था, इसके चेयरमैन समय कौन है, और ये 12th आपकी जो है सबमिट, खैर एज यूजुअल है कि COVID-19 के कारण कैसी हुई है, वर्चुअल हुई है। तो मोदी जी जो है वो एड्रेसिंग द 12th ब्रिक्स सबमिट, ही सैड देयर वॉज अ नीड टू कन्फ्रंट द कंट्रीज दैट सपोर्ट एंड स्पॉन्सर्ड टेरर। तो इसमें सीधे या कह सकते हो इनडायरेक्टली इसमें किसका नाम लिया गया है, पाकिस्तान का नाम दिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ द चाइना, कि भाई पाकिस्तानी ऐसा है, और वो प्रूफ भी हमारे पास कि पाकिस्तान नीड टू क्या करता है, सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को। मिस्टर मोदी एक्नोलेज द रशियन सपोर्ट टू ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी विच हैज एक्वायर्ड अ डेफिनेट शेप। तो इसमें रशिया जो है पूरी तरीके से हमारा साथ दे रहा है, किसके अगेंस्ट में, टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म। मिस्टर मोदी रेज द इशू ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट वर नेसेसरी फॉर ग्लोबल गवर्नेंस। अब देखो यहाँ से आपको मेंस के लिए एक दो कीवर्ड मिल रहे हैं, सबसे पहला है ग्लोबल गवर्नेंस। तो ग्लोबल गवर्नेंस जो है मोदी ने बोला है कि भाई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए उन, देखो तीन चार अगर मैं बोलूँ, क्रेडिबिलिटी एक हो गया कीवर्ड, इफेक्टिवनेस आपका दूसरा कीवर्ड हो गया, तीसरा हो गया इंस्टीट्यूशंस, और चौथा हो गया ग्लोबल गवर्नेंस। तो यहाँ पर बोला मोदी जी जो बोल रहे हैं किसके बारे में बोल रहे हैं, UNO के बारे में बोल रहे हैं, और आपका ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं, और आपका WTO के बारे में बोल रहे हैं कि भाई इनका जो क्रेडिबिलिटी है, इनकी जो इफेक्टिवनेस है, वो पिछले एक दो सालों के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या हुई है, क्वेश्चनिंग हुई है। तो यहाँ से देखो आपको मेंस के लिए क्वेश्चन मिल गया कि डिस्कस दी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देयर फंक्शंस, आर दे आर वर्किंग इन अ इक्वल वे और दे आर टेकिंग अ साइड ऑफ सम स्पेशल कंट्रीज, है ना। तो ये आपको देखो यहाँ से मिल गया। फिर इट इज इंडियाज असेसमेंट दैट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वायर्स रिफॉर्म अर्जेंटली, यानी कि हम चाह ही रहे हैं कि UNSC में हमें क्या मिले, परमानेंट सीट मिले, अभी पाँच हम जा रहे हैं कि छठवां भाई अगर एक्सपेंशन होता है तो हमको मिले। देन अपार्ट फ्रॉम द UN देयर आर सेवरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इसकी किसकी बात कर रहे हैं, UN के अलावा जैसे WHO ने बोला, WTO बोला, दैट आर नॉट वर्किंग, यही एलिगेशन बाइडेन ने लगाया है उन्होंने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंट्री रिलेटेड केयर। ब्रिक्स कंट्री विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिकवरी ऑफ पोस्ट COVID-19, 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड इन द ब्रिक्स। तो देखो ये आपको एक MCQ के लिए क्वेश्चन मिल गया कि पूरी दुनिया का 42% सिर्फ इन्हीं पाँच देशों में रहता है, वो रहेगा क्यों, वो रहेगा भी सही है, क्यों भाई, इंडिया, चाइना सबसे लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज, इंडिया दो कंट्री तो यहीं पर आपकी होगी, तो 42% पॉपुलेशन तो ऐसी आपकी आएगी। अच्छा, तो ये खैर जो इसी का एक्सटेंशन पार्ट मैंने बनाया है, इसी ब्रिक्स सबमिट में प्रधानमंत्री इंट्रोड्यूस आत्मनिर्भर भारत टू द ब्रिक्स मेंबर, ही पॉइंटेड आउट दैट वाज अ कैंपेन दैट अमाउंटेड टू अ रिफॉर्म्स प्रोसेस। तो देखो यहाँ से एक बार आप लोग आत्मनिर्भर भारत तैयार करके जाओगे, एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो चाहे वो आपका मेंस हो। देन प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द इशू ऑफ कॉपरेशन अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, on the production of vaccine for COVID-19. India is in talks with Russia for the field of trial of Sputnik 5. और हमको पता है कि Sputnik 5 का इंडिया में थर्ड फेज का ट्रायल, कौन सा फेज का, थर्ड फेज का ट्रायल कई जगह चल रहा है आपका। देन अगर आगे बात करें, इंडिया has led regional collaboration in South Asia for ensuring vaccine access to countries, क्योंकि देखो जितनी भी आपकी पुअर कंट्रीज हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी पुअर कंट्रीज हैं, उन्होंने एक तरीके से, इंडिया ही उनकी आस है कि वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन बनने के बाद
विदिन 3 to 4 ईयर्स के अंदर अंदर हम इन पुअर कंट्रीज को क्या प्रोवाइड कराएंगे, वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे। देन अगर देखें, मिस्टर मोदी सेड दैट द न्यू डेवलपमेंट बैंक वुड हेल्प इन फाइनेंसिंग सपोर्ट फॉर रिसर्च इन COVID-19। तो यहाँ से देखो आप लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ये न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, ठीक है, हाँ, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ये मुझे लगता है कि आपके प्रीलिम्स या आपके मेंस में आ सकता है, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया और मेंबर्स हो गए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज, सॉरी, पेनल्टी फॉर नॉट वेयरिंग मास्क इन पब्लिक अप टू 500 to 2000। तो अच्छा है, दिल्ली में जो अचानक से COVID-19 के केसेस बढ़ रहे थे, तो पहले बात चली कि दोबारा से दिल्ली में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करते हैं, बट अब वो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा एक निकाला कि चलो कुछ जो आपके सेपरेट आपके क्या है हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे लॉकडाउन करते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी ये थर्ड तरीका अपनाया है कि लोगों को मजबूर किया जाए फाइनेंशियली कि वो क्या पहने हैं, मास्क पहने, क्योंकि लोग बिल्कुल मास्क नहीं पहन रहे बाहर। नेक्स्ट आपका वीरो वॉर्बर स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये माइग्रेटरी बर्ड है फ्रॉम नॉर्थ एंड टेम्परेट यूरोप, हैज नॉट बीन सीन इंडिया बिफोर, और ये स्पॉट की गई है। तो ये देखो कौन सी, इसका नाम रखना है विलो वॉर्बलर, ठीक है, और इसका ये जूलॉजिकल नेम है फाइलस कोपस ट्रेचिलिस, ठीक है। दूसरा अगर आप यहीं पे देखो, बायोडायवर्सिटी वाला वर्ड फिर से आ गया, तो एक बार आप रट्टा मारेंगे जो हमारे यहाँ वो है बायोस्फीयर है, 18 बायोस्फीयर, उनके बारे में पढ़ेंगे, और हमारे यहाँ जो हॉटस्पॉट है हमारे यहाँ बायोडायवर्सिटी के, वो कौन कौन सी जगह पर है, कौन कौन से हॉटस्पॉट में बोल रहा हूँ बायोडायवर्सिटी के, ठीक है, बायो डाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट, ठीक। चलो अगला आपका ये रहा, डिजिटल इंडिया इज नाउ अ वे ऑफ लाइफ सेज पीएम, ठीक। तो नरेंद्र मोदी अटेंडिंग द बैंगलोर टेक सबमिट 2020, किसको सबमिट कर रहे थे, टेक सबमिट वर्चुअली, इसको उन्होंने वो किया था टेक सबमिट 2020। और देखो उसमें क्या बोला, डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च 5 ईयर अगो। तो एक बार सब लोग पढ़ोगे किसके बारे में, डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में पढ़ोगे, ये मुझे लगता है कि प्रीलिम्स या मेंस में आ सकता है। ही असर्टेड दैट टेक्नोलॉजी फर्स्ट वाज देयर गवर्नेंस मॉडल, और वो है भी। एड्रेसिंग द समिट, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट सेड दैट द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैड अल्टीमेटली पॉसिबिलिटी वर्किंग टुगेदर टू इन स्पेस रिसर्च, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किस किस फील्ड में काम करेंगे अब या कर रहे हैं, स्पेस रिसर्च, क्रिटिकल मिनरल्स, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक सेक्टर क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, थर्ड 5 सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप वर्ड बहुत आप आने वाले टाइम पे सुनोगे, 5G और AI, ये दोनों एक दूसरे से बहुत आपस में रिलेटेड है। देन टॉकिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स स्वामित्व स्कीम, तो देखो ये MCQ के लिए मिल गया आपको, स्वामित्व स्कीम के लिए आप पढ़ लेंगे, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस में आ सकता है। और जो यहाँ CDS के एस्पिरेंट्स हैं या AC के एस्पिरेंट्स हैं, जब भी मैं आपको बोलूँगा MCQ तो वो बात मैं आपके एग्जाम की भी कर रहा हूँ। देन मिस्टर मोदी ऑब्जर्व दैट गिविंग लैंड टाइटल्स टू मिलियंस ऑफ पीपल इन रूरल एरिया, ये स्वामित्व स्कीम में यही किया गया है। देन विद द रैपिड इंक्रीज इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डाटा प्रोटेक्शन एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट द प्राइम मिनिस्टर पॉइंट ऑफ। तो यहाँ से देखो एक कीवर्ड हमें मिल रहा है, साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप ग्रांट प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका ये रहा, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स कट्स इंडिया 2025 ग्रोथ एवरेज 4.5। तो कोविड पोस्ट COVID-19 के कारण ये ऑक्सफोर्ड की जो वो है रिसर्च, उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो कट होगा कितने, 4.5 से। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे एग्जाम के लिए हमें क्या मिल रहा है, तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ऑन थर्सडे रिवाइज डाउनवर्ड इट्स इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट। देखो अब अगर ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स डाउन कर रहा है तो क्या होगा, इससे जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में अब इन्वेस्ट करने नहीं आएंगे, ये मानते हुए कि अगर एक इंटरनेशनल एजेंसी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको निगेटिव में दिखा रही, तो भाई वहाँ पैसा लगा के फायदा नहीं है, हमारा पैसा उल्टा वहाँ पे स्टैग्नेट हो जाएगा। तो ये ऐसे इंटरनेशनल एजेंसीज ऐसे हर कंट्री की जो इकोनॉमिक रेपुटेशन होती है वो भी गिरा देती है। खैर, तो इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया फोरकास्ट ओवर द मीडियम टर्म टू एन एवरेज 4.5% ओवर 2025, यानी कि 5 सालों तक वो कह रहे हैं कि 4.5% के एवरेज, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकती है पर एवरेज वो 4.5% कह रहे हैं। ध्यान रखना है प्रेडिक्शन जरूरी नहीं कि सही हो, क्या ये बाकी इतना नहीं है, बाकी इन्होंने बोला है कि अगर आपके ये बैंक्स हैं और NBFC हैं, लेबर मार्केट है, ये भी क्या रहेंगे, आपके वीक रहेंगे। देन नेक्स्ट आपके देखें आने वाले टाइम पे जो आपका ये डेटा है या डाटा है,
सबसे ज्यादा इसी में अब क्या होने वाला है, इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि डाटा या डेटा इज अ व्हाट अ पावर ऑफ एनी कंपनी। तो देखो इन्वेस्टमेंट इन डेटा सेंटर ग्रोज टू $396 मिलियन, ठीक है, वो होना ही था। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट न्यूज है आपकी, अगर आप हेडिंग देख रहे हैं तो आर्मी बिल्ड्स एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट फॉर ट्रूप्स इन लद्दाख। तो हम सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों में स्पेशली जो आपका लद्दाख का रीजन है और लद्दाख के रीजन में हमारे यानी कि इंडिया और चाइना के बीच जो है वो डिस्प्यूट जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि हिमालयाज में आपका किसका विंटर्स का आना होता है, वैसे ही दोनों ही जो आपके पोस्ट होते हैं, चाहे हमारे पोस्ट हों चाहे चाइना के पोस्ट हों, वो खाली कर दिए जाते हैं और वो वापस जो सेफ एरिया होता है जहाँ पे स्नोफॉल इतनी होती है वो वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस बार हालात ऐसे नहीं है। तो अगर इस न्यूज़ को देखें, एज इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू डेलिब्रेशन ऑन द प्रपोज्ड डिसएंगेजमेंट, थोड़े बहुत राजी हुए हैं डिसएंगेजमेंट करने के लिए, एंड डी एस्केलेशन प्लान टू एंड द स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख, द आर्मी हैज कंप्लीटेड बिल्डिंग एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल ट्रूप्स टू रिमेन डिप्लॉयड थ्रू द हार्श विंटर। मतलब बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा पीछे रहेंगे पर वहां पर भी बहुत ज्यादा आपके क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। जैसे ये जो आपका लद्दाख है, द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वर ट्रूप्स आर डिप्लॉयड रेंज आर 14,000 feet to 18,000 feet। ये बहुत बड़ा कह सकते हो ऊंचाई होती है इतने पे सर्वाइव करना। एंड जो वहाँ पे स्नोफॉल अगर देखो तो कितनी होती है, 40 feet तक आपकी स्नोफॉल होती है। तो जो आप ये घर देख रहे हो, जो ये बने हुए घर हैं और ये बाहर का इनका ये आउटर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये इनका इनर स्ट्रक्चर है, ये होम इस तरीके से बनाए गए हैं कि 40 feet बर्फ होने के बाद भी और -40 degree Celsius टेम्परेचर होने के बाद भी वो वहाँ आराम से रह सके, आराम तो नहीं बोलूंगा लेकिन सर्वाइव कर सके, ठीक है। वो जरूरी भी है दोनों ही के लिए, खासकर हमारे लिए, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं कि वापस वो क्या कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। अब ये जो बिल्ड एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट्स हैं, ये खास तौर पे आपका हमारी एजेंसी है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका बहुत बड़ा हाथ है इसको डेवलप करने के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते समझे, एक और मैं फिर से आपसे करूंगा कि प्लीज इस पेज इस वीडियो को लाइक करें जितना हो सके, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स के साथ जो UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CDS की हो, AC की हो, IAS की हो, उनके साथ शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों को और खुद भी क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहा फाइनेंशियल पैनल फॉर PP ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो देखो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट तब करती है जब उसके पास इतना मैन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ना हो, यानी कि इतनी पावर ना हो, इतने ऑफिसर्स ना हो, इतने एम्प्लॉयज ना हो, साथ ही साथ उसके पास फंड भी ना हो, ठीक है। जब फंड की स्कैसिटी होती है और मैन पावर या ह्यूमन पावर की जब स्कैसिटी होती है तब हम क्या कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई प्राइवेट आए बनाए 5 साल 10 साल तक अपने पास रखे, उस पर टैक्सेस लगाता रहे और उसके बाद वो ट्रांसफर कर दे गवर्नमेंट को। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत सारे जो आपके टोल टैक्स होते हैं या आपके नेशनल हाईवेज होते हैं जो 4 lane 6 lane हो गए, जैसे दिल्ली और NCR में काफ़ी जगह मैंने देखा है, तो वहाँ पे आपसे वो पर्टिकुलर चलने के लिए टोल टैक्स होते हैं। तो असल में वो प्राइवेट एजेंसी होती है, उसने उसको बनाया होता है और 5 साल का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है और कहते हैं लगभग 1-1.5 साल में वो पैसा अपना वसूल लेते हैं, बाकी 4 साल वो प्रॉफिट में रहते हैं और 5 साल बाद वो पूरा का पूरा रोड जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। खैर इस न्यूज़ को देखते हैं क्या है। द 15th फाइनेंस कमीशन जो अभी ये जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, 15th फाइनेंस कमीशन ने, हैज़ मूटेड अ ग्रेटर रोल फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो देखो यहाँ से जो फाइनेंस कमीशन है 15th, वो भी कह रहा है कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में और वही डेवलपमेंट के लिए की रोल का प्ले करेगा। तो अब आपको यहाँ से डिस्कस करना है कि वॉट आर द लूप होल्स और वॉट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू रैम्प हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्केल अप पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ। यानी कि इस बार स्पेशली वो ये कह रहा है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दी है कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्पेशली आपका हेल्थ सेक्टर जो है हमारा उस पर ज़्यादा इन्फेसाइज कर रहा है। देखो हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर अभी बहुत खराब हालत में, माना कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पर
पर अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे जो प्रेशर है डॉक्टर वर्सेस जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो रेशो वो बहुत ज़्यादा है। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और उन पे कोई कंट्रोल भी नहीं होता कि वो कई चीज़ों की बीमारी बता देते हैं जो होती ही नहीं है। सॉरी, क्या आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या लिखा है, स्केल अप पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ फ्रॉम 0.95% ऑफ जीडीपी टू 2.5% बाई 2024। सॉरी, तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फाइनेंस कमीशन ये कह रहा है कि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अभी हेल्थ पे जीडीपी का पैसा खर्च करती है वो 0.95% ही है, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई 2024 तक आते आते आपको 2.5% ऑफ जीडीपी किस पे खर्च करना पड़ेगा, हेल्थ सर्विसेज पे खर्च करना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और स्पेशली कोविड जो 19 है इसके बाद तो आपको हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ेगा। देन अगर देखें द टोटल स्पेंडिंग ऑफ अराउंड 0.9% ऑफ द जीडीपी इज नॉट एडिक्वेट बोथ इन रिलेशन टू आर पीयर ग्रुप्स एंड रिलेशन टू द कम्युनिटी अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो देखो एक क्वेश्चन हमको और मिल रहा है यहाँ से, प्रीलियम्स और मेंस के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2020 का तैयारी कर लेना, प्रीलियम्स प्लस मेंस में आ सकता है। प्रीलियम्स में मैं कह सकता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, चाहे सीडीएस और एसी वाले अगर स्टूडेंट को सुन रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो देखो अब सरकार 0.95% से कब 2.5% लेके आती है, ये तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है। तो ये न्यूज़ का मेन जो सार था, जो कंफ्यूजन था, वो आपका ये था। दोबारा से इस चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट आपका ये रहा, वैक्सीन ट्रायल शोड 95% सक्सेस। तो फिजर जो कंपनी है वो कह रही है कि भाई 95% जो है सक्सेस है, तो ये एक अच्छी खबर हमारे लिए। और ये उसने सक्सेस बोली है आपकी थर्ड स्टेज में, इसको ये अचीवमेंट प्राप्त हुई है, ठीक है। और देयर वर 170 केसेस ऑफ 19 इन द ट्रायल ऑफ मोर देन 43,000, यानी कि वो 13 केसेस 5% में आ गए जिनको वैक्सीन लगने के बाद भी क्या हो गया, कोविड 19 हो गया। ओनली 8 पीपल विद द डिजीज हैज बीन गिवन द शॉट रादर देन अ प्लेसिबो। एफिशिएंसी ऑफ टू डोज वैक्सीन रेल 65 ईयर वर ओवर 94%। द मोस्ट सीवियर साइड इफेक्ट वॉज फैटिग्यू विच अफेक्ट 3.7% कैंडिडेट। खाली एक आपको फैटिग्यू वाला ही वो बोल रहा है कि सिम्टम है जो आएगा, बाकी नहीं आएगा। और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है जो आप नीचे पॉइंट देख रहे हो कि वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड -70°C, यानी कि वैक्सीन को बनाने के बाद अगर आपने उसको -70°C पे नहीं रखा तो वैक्सीन किसी लायक नहीं रही। अब देखो यही सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आपको ये बनने के बाद दूर दूर तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दिल्ली में बनी और दिल्ली से आपको इसको राजस्थान में ले जाना है, गुजरात में ले जाना है, यूपी में ले जाना है, या ये वेस्ट बंगाल में ले जाना है, या नीचे एमपी में ले जाना है, या नीचे तमिलनाडु में ले जाना है, तो बनने के बाद आपको उसको ऐसे फ्रीजर में रखना पड़ेगा जिसका टेम्परेचर हमेशा 70 ओवर आए। चलो वो तो कोई बात नहीं है, ट्रक में ले गए वहाँ पर टेम्परेचर रख लिया, लेकिन जब आप गली मोहल्लों पर लगाएंगे तब भी आपको ऐसा फ्रिज अपने पास रखना पड़ेगा, डीप फ्रीजर में रखना पड़ेगा इसको, जहाँ टेम्परेचर -70। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है जो ये क्राइटेरिया दे रखा है। अच्छा, अगला आपका ये रहा, विल रिटर्न टू न्यूक्लियर डील इफ यूएस सैंक्शंस आर लिफ्टेड। तो हमको सबको उम्मीद थी कि जैसे ही आपके यूएस के प्रेसिडेंट चेंज हुए और बाइडेन बन रहे हैं तो ईरान भी एक कदम आगे बढ़ा रहा है, और वो भी ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियर डील ट्रंप के रहते रहते बिल्कुल अबॉलिश हो गई थी, मैं दोबारा तैयार हूँ उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये वेस्ट एशिया के लिए बहुत अच्छा है, वेस्ट एशिया के लिए इससे अच्छा है कि वहां पे पीस जो है वो रहेगी, वरना वॉर होने के चांसेस बढ़ रहे थे। नेक्स्ट अगर आप देखें, हु वन द वॉर ऑफ काराबक, तो सीधा आपका ये एनसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि ये जो पिछले 4 हफ्तों से कह सकते हो या 6 वीक्स से आपकी वॉर चली किसके बीच में, आर्मेनिया के बीच में और अजरबैजान के बीच में, किस जगह को लेकर, वो डिस्प्यूटेड एरिया था आपका काराबक। तो ये काराबक जो है डिस्प्यूटेड एरिया है, इसको देखो, आफ्टर 6 वीक्स ऑफ फाइटिंग आर्मेनिया एंड अजरबैजान एग्रीड टू मिलिट्री ऑपरेशन एंड मिलिट्री ऑपरेशन एंड अराउंड नगोर्नो काराबुआ इन सीज फायर ब्रोकन। देखो ये आपको दिख रहा है जगह, ये आप देख रहे हैं नगोर्नो काराबुआ, कुछ पार्ट इसमें आर्मेनिया क्लेम करता है और कुछ पार्ट इसमें अजरबैजान क्लेम करता है। बस इसमें आपको ज्यादा डीप नहीं आना, इतना आप लोग पढ़ लो बहुत है। चलिए, तो ये था हमारा 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का एनालिसिस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। उम्मीद है कि जो मैं आपको असाइनमेंट देता जा रहा हूँ वो आप करते जा रहे होंगे। और फिर से मैं रिपीट करूंगा, जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को, पौरुष जैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें कि वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है।